हाय दोस्तों, आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ जी एस टी आर पोर्टल में कैसे अपलोड करना। सिंपल आसानी है ये। पहले जी एस टी आर में जाके जी एस टी आर रिपोर्ट्स जी एस टी आर वन एक्सपोर्ट जी एस टी आर वन सितंबर मंथ का कर रहा है, सेलेक्ट कर लेना जे एस एन फाइल और बाकी का सेम टू सेम कंट्रोलर। यस, अब फाइल एक्सपोर्ट हुआ है। इसमें बहुत सारा फाइल्स है, जी एस टी आर में अपलोड करना पड़ता ढूंढना पड़ेगा, इसलिए मैं दूसरे फोल्डर में लगा रहा हूँ ये। ये वीडियो कैसे बना है बोले तो, मैं जी एस टी आर ऑफलाइन से करें तो बहुत प्रॉब्लम्स आ रहा है, एड्रेस ज़्यादा आ रहा है, इसलिए मैं डायरेक्ट टैली से सीधा जीएसटी पोर्टल में अपलोड करे तो आसानी हो जाता, इजी हो जाता और टाइम भी सेव हो जाता, इसलिए मैं वीडियो बनाया हूँ। और ये वीडियो फ्रेशर्स के लिए बहुत अच्छा वीडियो है, तो बाकी के लोग सबको मालूम होना ही पड़ेगा, होता ही लॉगिन होना है जीएसटी पोर्टल में। सिंपल है ये अपलोड करना बोले तो। सितंबर 2020-21 सितंबर मंथ सर्च, इसमें दो ऑप्शन रहता है, ऑनलाइन ऑफलाइन। ऑनलाइन बोले तो फिर हम जी एस टी आर वन टूल है ना, और टूल में से डेटा इंपोर्ट करके एक्सपोर्ट करके फिर इसमें इंपोर्ट करना पड़ता, ये बहुत प्रोसेस है, फिर इसमें ज़्यादा एरर्स आ जाता। टैली में से इजी हो जाता, इसलिए मैं जेएसएन फाइल जनरेट करके आपको दिखा रहा हूँ। ऑफलाइन ब्राउज, सेलेक्ट द फाइल लोकेशन, ओपन। देखिए इजी हो जाएगा इधर प्रोसेसर, एरर रिपोर्ट नॉट अप्लीकेबल। ऑफलाइन टूल्स में जाए तो कुछ ना कुछ एरर हो जाता, वो बहुत प्रॉब्लम हो जाता। ये टैली में से कर तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था, वो टैली में से जे एक्सेल को एक्सपोर्ट करें तो डेट फॉर्मेट चेंज होता, इसलिए हमारे ऑफलाइन टूल में ज़्यादा प्रॉब्लम है, इसलिए मैं ये दिखा रहा। उसके बाद में नीचे जा सर्च करें तो 15 मिनट्स के बाद सर्च करना है, 15 मिनट्स के बाद देखिए तो सेम वैल्यूज आ जाता। एक बार चेक कर लेना डैली में का इसमें का सेम हो जाता, सेम आ जाता तो फाइल कर देना। पहले एक्नॉलेजमेंट क्लिक करके फाइल बटन दबाना, फाइल हो जाएगा। उसके बाद में देखो वैल्यू सेम है। नीचे एक्नॉलेजमेंट दैट हैव ये ओके कर लेना, फाइल रिटर्न दबा देना। उसके बाद में जी एस टी आर वन में जाके सितंबर सेलेक्ट करके फिर सबमिट बटन क्लिक कर देना जी एस टी आर वन को। उसके बाद में डी एस सी अर्स ई वी सी फॉर्मेट से मैसेज आता, ओ टी पी आ जाता मैसेज और ईमेल को, वो एंटर करके फाइल दबा दो, हो जाता। थैंक यू फॉर वॉचिंग।